ग्राम पंचायतों में इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास खंड बनीकोडर के अंतर्गत आने वाले जरौली गांव की, जहाँ पर ग्रामीण श्री लाल व सीताराम ने मुख्य विकास अधिकारी व मनरेगा लोकायुक्त लक्ष्मी सिंह को 16 दिसंबर को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा था कि पिछले 2 साल में कराए गए लगभग 35 मजदूरों को मनरेगा के तहत उनको मजदूरी का पैसा नहीं मिला है और प्रधान के द्वारा मनरेगा मजदूरों को ना तो बैंक की पासबुक दी जा रही है और ना ही जॉब कार्ड दिया जा रहा है, जिसकी जांच करने आज मनरेगा लोकायुक्त लक्ष्मी सिंह जरौली गांव पहुंच गई। उन्होंने पीड़ितों के बयान दर्ज किए और प्रधान को मजदूरों का पैसा 1 माह के अंदर दिलवाने का फरमान सुना दिया। लेकिन अब यह देखना यह है कि यह फरमान कितना कारगर साबित होता है और मनरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा मिलता है या नहीं। मुख्य बात तो यह है कि सचिव महोदय भी वहां पर बुलवाए गए, लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद वो पहुंचे भी, लेकिन कोई भी प्रपत्र नहीं दिखा सके।